पीपल, जैसे कि आप लोगों को पता है, मेरा नाम हमजा है और आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं स्टोरी टाइम। और ये स्टोरी टाइम की जो मुझे इन्फ्लुएंस या जो भी आप कह लें, वो एक मोटिवेशन मिली, वो मुझे नंबर वन डकी भाई से मिली। नंबर टू मेरा एक दोस्त सिबगतुल्ला, उसने भी आइडिया दिया था मुझे कि स्टोरी टाइम के ऊपर बनाऊँ। उसका चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और वीडियो के एंड में भी डाल दूँगा। तो अभी हम चलते हैं स्टोरी टाइम की तरफ। तो स्टोरी टाइम जो है मेरी काफ़ी यूनिक है। मैं जब इस्तांबुल जा रहा था तो हमारी जो फ़्लाइट थी यहाँ से फजर के वक्त थी। अभी हम 3-4 साल पहले आ गए, काफ़ी पीछे आ गए हम टाइम लाइन में, मगर अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी कहानी है। तो अभी हम चलते हैं हमारी फ़्लाइट की तरफ। सबसे पहले हम यहाँ से गए और मैं उससे पहले वाली रात जो है पूरी नहीं सोया था एक्साइटमेंट की वजह से। तो मैं बहुत मतलब एक्साइटेड था और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था जो होने वाला आगे। हुआ ये कि हम पहुंच गए, हमारी फ़्लाइट जो थी फजर की बात थी, वो पहले ही डिले हो गई थी थोड़ी सी। फजर की बात थी, लोग नमाज़ पढ़ने चले जाते हैं एयरपोर्ट पर, फिर बहुत देर हो जाती है उनकी वजह से। खैर, तो हमारी फ़्लाइट जब दुबई पहुंची तो सुबह का 8 बजे था आई गेस। तो हम लोग जो है नाश्ता वगैरह करके हमारे बोर्डिंग गेट की तरफ गए अगली फ़्लाइट इस्तांबुल के लिए। तो वहाँ जब हम पहुँचे तो हमें पता लगा कि फ़्लाइट डिले हो गई है। और डिले जब हमने मेरा अबू ने जाके और भी फ़्लाइट्स देखी, सब डिले। फिर हम गए थे वो अराइवल डिपार्चर बोर्ड्स पे, तो वहाँ भी सारी डिले, अराइवल बोर्ड वो भी पूरा डिले। तो हमें कुछ गड़बड़ लगी। फिर पाकिस्तान से मेरे अबू को फ़ोन आया कि पाकिस्तान यहाँ प्लेन क्रैश हो गया। फिर हमें पता लगा, तो इन्फॉर्मेशन डेस्क पे जाके अगर हम पूछ रहे थे कि क्या हुआ है, तो वो लोग जो है ना वही एक चीज़ बोलते थे कि वो फूड वाउचर दे देते और वाईफाई के पासवर्ड्स दे देते थे, अब वाईफाई और उस पर लगेगा। मगर हम थक गए थे एंड में, और पूरा एयरपोर्ट जैम पैक हो गया था क्योंकि ना कोई आने वाला जा सकता है, ना कोई अंदर आ सकता है, ना कोई जो आया हुआ है वो भी नहीं जा सकता कहीं पे भी। तो हम फंस गए थे पूरी तरह। और जो है इसके बाद हमारा जो स्टे था वो ऑलमोस्ट 18-20 आवर्स का हो गया था और बहुत नींद आ रही थी जब हम इस्तांबुल की फ़्लाइट में बैठे। नहीं, फ़्लाइट भी नहीं, इससे पहले थोड़ा चलते हैं, हम बोर्डिंग होना शुरू हो गए। हम नीचे जाके लाउंज में जब बैठे कि गेट्स ओपन होंगे तो हम प्लेन के अंदर जाएंगे, तो वहाँ पे उन्होंने पहले बोला द प्लेन द फ्लाइट इज डिले फॉर 30 मिनट्स। उन्होंने फिर इंजन का बहाना बनाना शुरू कर दिया कि प्लेन का इंजन ख़राब है। हालांकि कुछ ऐसा लगा नहीं मुझे क्योंकि प्लेन वही था। आधा घंटा वो बोला, फिर 1 घंटा 2 घंटा ऐसे करके 4 घंटे और खींच लिए उन्होंने। इसके बाद फिर फाइनली हम प्लेन में बैठे, 4 घंटे की फ़्लाइट थी, हम पहुँचे। वहाँ पहुँचे तो हम सोने लग गए वहाँ पे हम, मगर हमारी डोमेस्टिक फ़्लाइट थी वो मिस हो गई थी, और जो अंतालिया में हमने रिजॉर्ट कराया था वो भी मिस हो गई थी, हमें डोमेस्टिक फ़्लाइट थी वहाँ की। तो हम सो गए, मैं, मेरा भाई, हम लोग तो वहीं एयरपोर्ट पर सो गए, इतना थक गए थे, मोर देन 24 आवर्स हो गए थे। तो हम सो तो गए, इसके बाद अबू ने जो है फ़्लाइट्स देखी डोमेस्टिक, वो बुक कराई। फिर हम जब डोमेस्टिक में भी टाइम था अच्छा खासा, 3-4 घंटे का टाइम था, वहाँ घूमते रहे। इसके बाद जो है फिर डोमेस्टिक फ़्लाइट थी आधे घंटे। तो जब हम अंतालिया पहुँच गए तो अंतालिया पे पहले तो हम होटल पहुँचे, हमारा जो रिज़ॉर्ट था, वो रिज़ॉर्ट पहुँचे तो वो लोग बोलते हैं कि आपकी कोई रिजर्वेशन नहीं है क्योंकि हमारा एक दिन ज़ाया हो गया पूरा। तो एक दिन ज़ाया हो गया उसकी वजह से, फिर उन्होंने चेक किया इधर उधर अपने डेटाबेस में, तो उनको पता चल गया कि हाँ की पहले की थी, तो उन्होंने जो है रिजर्वेशन हमें दे दी। एक दिन ज़ाया हो गया हमारा, 6-7 डेज थे, 6 डेज हो गए थे। तो इसी तरह हमें बहुत सारे मसले हुए थे, जैसे डोमेस्टिक फ़्लाइट्स मिस हो गई और दूसरी चीज़ें हो गई। तो इसीलिए जो है काफ़ी यूनिक स्टोरी है, और मेरे हिसाब से ये मुझे बहुत ख़तरनाक लगा था ये प्लेन क्रैश, और फिर इंजन का इन्होंने मसला किया था, तो बहुत ख़तरनाक लगा। तो स्टे ट्यून्ड, तो जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। और अगली कहानी मैं आप लोगों को इस वीडियो की इंप्रेशन में बताऊंगा। सबसे पहले आप लोग इसको लाइक करें, कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी, और सब्सक्राइब भी करें। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। म्यूज़िक।